नमस्ते बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। बहुत सिंपल है। सेवन नंबर का जो क्लास सेवन का सेवन नंबर का यूनिट है मोशन फोर्स एंड वर्क, वो हमने स्टार्ट किया था। पर एक्सेलरेशन समझने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो जो है यानी पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी स्पीड एवरेज वेलोसिटी ये सारी चीज़ें जो है वो अगर आती है समझ में आ गई तो ही आपको एक्सेलरेशन समझेगा। अब देखिए एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है। एक्सेलरेशन सिंपल क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। यानी वेलोसिटी जितने टाइम में चेंज हो रही है उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। अब देखिए अच्छी तरीके से समझते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, अगर मान के चलो कि कोई कार है वो जा रही है, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा क्या? यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा क्या? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, वो उस स्पीड से जा रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। वेलोसिटी कब चेंज होती है वो भी देखेंगे। देखिए जब डायरेक्शन, वेलोसिटी क्या है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होती है। अगर स्पीड बीच बीच में चेंज हो रही है, हम एक्सेलरेशन, कार का एक्सेलरेशन देते हैं, उसको अगर कम ज्यादा स्पीड करेंगे तो वेलोसिटी में जो है वो चेंज आता है। जब वेलोसिटी चेंज होती है तब होता है एक्सेलरेशन। सिंपल चीज है, जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन होता है। आप ब्रेक को दबा रहे, एक्सेलरेशन तो उतना ही है, ब्रेक को दबा रहे हैं स्पीड कम हो जाएगी तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन दे रहा है कम ज्यादा करोगे तो एक्सेलरेशन होगा। ब्रेक को दबा रहे हैं तो एक्सेलरेशन होगा। डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तब भी चेंज इन एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी पे चेंज होता है। जहां पे वेलोसिटी पे चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो उसको क्या बोला जाता है, सिंपली एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? कोई प्लेन जा रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि स्पीड कॉन्स्टेंट है, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट है, और उसकी वजह से वहां पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए आपके इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि एक ट्रक जो है वो ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है। तो यहाँ पे पहले उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बी टू सी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हर या जगह पे इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब दूसरा देखते हैं। अगर मान के चलो कि एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये पहली इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये है मान के चलो कि फाइनल वेलोसिटी वी हमने लिया है। इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड में ये ट्रक यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी होती है 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, पहली वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी, फाइनल 10 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन क्या निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी है 10 - 0 मीटर पर सेकंड, और टाइम लग रहा है 5 सेकंड, तो हमने लिख लिया 10 मीटर पर सेकंड / 5 सेकंड। अब ये सेकंड जो है ये ऊपर अगर लेके जाएंगे तो ऐसा होगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन समझ में आ गया। अब हम बुक में क्या दिया है आपके वो पढ़ लेते हैं, ताकि आपको कोई और दिक्कत ना आ जाती है। देखिए इन अ प्रीवियस एग्जाम्पल, प्रीवियस एग्जाम्पल उन्होंने लिया है वही, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ट्रक कवर डिस्टेंस ए बी विथ वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी वेलोसिटी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, बी सी की कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, और सी डी की कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ए टू डी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट मीन दैट द वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंस सी डी, सी डी की वेलोसिटी ज़्यादा है बी सी से, बी सी की कम है ए बी से। फ्रॉम द नंबर ऑफ सेकंड रिक्वायर फॉर चेंज इन वेलोसिटी टेक प्लेस, यानी नंबर ऑफ सेकंड जो है वो अलग अलग लग रहे हैं यहाँ पे, तो वेलोसिटी क्या हो गई है, चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, अगर हम इसको सेकंड में भी कैलकुलेट करोगे तो भी यहाँ पे वैल्यू जो है वो डिफरेंट आएगी, यानी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है। तो देखिए फ्रॉम द नंबर ऑफ सेकंड रिक्वायर फॉर चेंज इन वेलोसिटी टेक प्लेस द चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड कैन बी डिड्यूस। डिड्यूस यानी कैलकुलेट करना, हम कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन सिंपल क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। टाइम के साथ अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था, एक कार जा रही 30 किलोमीटर प्रति घंटा कॉन्स्टेंट स्पीड है, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, स्पीड चेंज ही नहीं हो रही सेकंड के साथ, टाइम के साथ वो उतनी है, तो वेलोसिटी जीरो रहेगी, वेलोसिटी होगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। जहाँ पे वेलोसिटी का चेंज होता है, एक्सेलरेशन जब भी किसी ने बोला तो आपको याद आना चाहिए, हाँ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है,
अब नीचे का पढ़ते हैं, वो भी वही है, थ्योरेटिकल है, आपको कंसेप्ट समझना है। ये थ्योरेटिकल चीज समझ में आ गई तो कोई ये नहीं है, थ्योरेटिकल समझता नहीं जल्दी, पर कंसेप्ट जैसा ही कोई बोलेगा कि एक्सेलरेशन क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और वो अचीव करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम हमने नीचे ले लिया, कैलकुलेशन किया, यूनिट लिखना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं, यू नो दैट द ट्रक ड्राइवर इंक्रीज और डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ट्रक जो होता है उसकी वो एक्सेलरेशन देके, एक्सेलरेटर देके वेलोसिटी इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है बाय मीन्स ऑफ एक्सेलरेटर। यू माइट हैव सीन द टॉयज कार दैट रन ऑन क्लॉकवाइज स्प्रिंग, तो क्लॉकवाइज स्प्रिंग पे कुछ कुछ टॉयज होते हैं, खिलौने जो होते हैं वो चलते हैं। व्हेन इट इज रिलीज ऑन फ्लैट फ्लोर आफ्टर वाइंडिंग द स्प्रिंग इट गोज ऑन स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। हाउएवर व्हेन इट इज हिट ऑन वन साइड द चेंज, एक साइड को जब हीट करते हैं तो वो डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है यानी वहाँ पे वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। एंड कीप्स गोइंग इफ द कोलाइड विद वॉल इट स्टॉप इट मीन दैट वेलोसिटी चेंज, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो होगा। हाउ डिड द चेंज टेक प्लेस, इट हैपन बिकॉज कार कम इनटू कॉन्टैक्ट विद समटाइम एक्सटर्नल टू इट, देखिए यानी वो कार जो है वो किसी के कॉन्टैक्ट में आती है, डायरेक्शन चेंज करती है, यानी यहाँ पे हमें क्या समझना है कि जो भी होता है वहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन से चेंज हो रही है, या स्प्रिंग की कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन कम हो जाता है। तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब दूसरा एग्जांपल, ऑन द फुटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड में क्या होता है, हाउ डज द डायरेक्शन ऑफ बॉल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, तो डायरेक्शन कैसी होती है, सीधी होती है, तो पर वो चेंज भी होती है, कभी कभी सीधी होती है, कभी चेंज होती है, तो जहाँ पे चेंज दिखता है वहाँ, जहाँ पे वेलोसिटी का चेंज है वहाँ पे, इन्होंने यही एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं कि जहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है विद टाइम उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोला कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वी सी सम प्लेयर चेंजिंग इज डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे कुछ प्लेयर जो है वो बॉल की डायरेक्शन चेंज करते हैं बाय किकिंग इट, व्हेन डायरेक्शन चेंज द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंज दैट इज से द एक्सेलरेशन टेक प्लेस, तो वहाँ पे जैसे बॉल की डायरेक्शन चेंज होंगी तो वहाँ पे वेलोसिटी चेंज होंगी, वेलोसिटी चेंज होंगी तो वहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा। द इंटरेक्शन दैट ब्रिंग एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, यानी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन जो है वो आता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आ गया बच्चों एक्सेलरेशन किस प्रकार से निकालना है, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो भी होती है और टाइम जितना लगता है और यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो होता है। तो क्या क्यों होता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहाँ पे यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड और यहाँ पे सेकंड, और वो सेकंड ऊपर जाता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट जो है वो बन जाता है। तो आई थिंक आपको एक्सेलरेशन जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, एक्सेलरेशन इन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये वेलोसिटी क्या होती है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको वेलोसिटी भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी।